दोस्तों फाइनली मैंने वो काम कर दिया जो मेरे को पॉसिबल इम्पॉसिबल लग रहा था और है, लेकिन बाजू में आप ये देख सकते हैं सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना ये पहाड़ चार हिस्से में था, तो जब बाबा ने आया इधर में हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। फाइनली दोस्तों हाजी मलंग का मेरा व्लॉग वीडियो 3 आ चुका है। हमने हाजी मलंग दरगाह की ज्यारत कर ली। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कमली शाह बाबा और पांच पीर का रास्ता। पहले मैं आपको बता दूँ इसी सीरीज की दो वीडियो जो नहीं देखी हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप वहाँ से देख ले। माशाल्लाह, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हाजी मलंग का कितना प्यारा व्यू है। तो मुझे यहाँ आके तो बहुत खुशी मिली और मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद कि मुझे इस दरगाह की ज़्यारत हुई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आके इधर इस दरगाह की ज़्यारत कीजिए। आपको मैं बता दूँ कंटिन्यू बारिश चल रही है और बारिश में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय। दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं पाँच पीर की दरगाह। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाँच पीर की दरगाह जाने का जो रास्ता है वह हाजी मलंग की दरगाह जो है, जो मेन दरगाह है, वो मेन दरगाह के पीछे से भी रास्ता है। आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम दरगाह के पीछे से जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पाँच पीर की दरगाह पे जाने की ट्रैकिंग तो चालू कर दी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दरगाह है, वहाँ से हम यहाँ पे आए। आप देख सकते हैं पीछे गुंबद नज़र आ रहा होगा, वहाँ से हम होते हुए अभी यहाँ आए हैं और यहाँ से अभी हमको सीधा सीधा चलना है। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग, आप यकीन करोगे 3000 फीट ऊंचा पहाड़ देख सकते हैं। पूरा बादलों से पहाड़ ढक चुका है, पूरा छुप गया है और यहाँ इसी रास्ते से हमको सीधा सीधा जाना है और फिर पाँच पीर की दरगाह आएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ऊपर का सीन, ये मलंगगढ़ पहाड़ी का सीन है और ये इतना ऑसम है कि आप सोच नहीं सकते। मैं एकदम जस्ट बादलों के पास खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं बादल कितने नज़दीक है मेरे। हवा भी काफ़ी तेज चल रही है और बारिश भी हो रही है। हाँ आप देख सकते हैं बादल, माशाल्लाह क्या अल्लाह की कुदरत है। अभी हम वो रास्ते से आए हैं, अभी हमको यहाँ जाना है, यहाँ से हमको रास्ता अपना कंप्लीट करना। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ इतनी तेज हवा चल रही है, मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पाँच पीर की दरगाह, हवा तो बहुत तेज चल रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा बाबा की सवारी, हाजी मलंग बाबा की सवारी है वो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं ये हाजी मलंग बाबा की सवारी का मतलब इसको, इस जगह को चिन्ह कर दिया है। मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ। ये आप देख सकते हैं कमली शाह बाबा की दरगाह का ये रास्ता है जो गुफे के अंदर है। मैं अभी वहाँ आपको लेके चलता हूँ, वहाँ उस दरगाह की जियारत करवा देता हूँ। और ये भाई लोग मुझे हमको रास्ते में मिले, उनको भी जियारत करना है। कमली शाह बाबा की दरगाह पे जाने का आप रास्ता देख सकते हैं, ये आजू बाजू से सारी लोखंड से इसको इधर से चिन्हित किया हुआ है, ये ऐसा रास्ता है। ये हजरत कमली शाह बाबा की दरगाह है, आपको मैं इधर इनकी ज़ियारत करा देता हूँ। ये गुफे के नीचे है, यहाँ से हमको थोड़ा झुक के जाना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा जाना है। चल अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये हजरत कमली शाह बाबा के मज़ार पाक है और यहाँ पे हम सब सलामी देने आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी ज़ियारत कर लो।
कमली शाह बाबा की सलामी तो हो गई, अब हम निकले हैं पांच पीर की दरगाह के लिए और वो करामती जगह जहां पत्थर पे पैसे चिपकाए जाते हैं, हम अभी वहां लेके चलेंगे और एक कुछ साथी मिले हमको। भाई कहां से हो आप लोग? मुंबई से। तो ये मुंबई से आए हैं, अभी इनके साथ हम अपना सजा है, लेकिन बाजू में आप ये देख सकते हैं सपोर्ट दिया गया है, पकड़ के हमको यहाँ से नीचे उतरना है। मैं आपको एकदम एक खूबसूरत व्यू बताना चाहूंगा। अभी हम लोग जिस जगह पे है पूरा बादलों के घेरे में है। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताऊँ चारों तरफ से बादल घिरा हुआ है। तो बारिश रुक गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पे आए हैं बाबा के दरगाह की ज़्यारत करने, और अभी हम सब जा रहे हैं पांच पीर की दरगाह, तो मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ पांच पीर की दरगाह की ज़्यारत कर। बचपन से अभी तक मैं इस जगह पर 6-7 मरतबा आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं स्पेशली व्लॉग बनाने आया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पहाड़ पे पत्थर चिपकाने से लोगों की मन्नतें होती है पूरी। वहाँ पे लोग ऐसा बिलीव करते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, और काफ़ी लोग जो बाहर से आते हैं वो लोग वहाँ पे इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि पत्थर पे पैसा चिपकाए तो यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है। फ्रेंड मैं जहाँ तक जानता हूँ ये वो जगह है जहाँ पे हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा नमाज पढ़ने आया करते थे। इसी जगह पे वो बैठ के डेली अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह से दुआ मांगते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थी। देख सकते हैं मैंने भी ट्राई किया और मैंने भी दिल से सिक्का चिपकाने की कोशिश किया और आखिर में मेरा चिपका, लेकिन काफ़ी टाइम बाद चिपका, और भी आजू बाजू लोगों में सबका चिपक रहा था। और वाकई में होता है ऐसा, उस दीवार पे, उस पहाड़ की दीवारों पर अल्लाह के नाम के जिक्र हुए हैं। वहाँ पे हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा ने अल्लाह के जिक्र किया है इसलिए। तो ये दोस्तों अल्लाह के नाम का करिश्मा है। और मैं आपको बताऊं, मैं वहीं से खड़े रह के मैंने रेनबो देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा इतनी ऊंचाई पे आने के बाद, तो मैं बहुत खुश हुआ वहाँ पे। यहाँ सिक्का चिपकाने वाली जगह का ब्लॉग तो बना दिया, यहाँ का हमने वीडियो बना दिया, अब यहाँ से हम चल रहे हैं पाँच पीर की तरफ। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पाँच पीर का ट्रैकिंग। तो चल, यहाँ तो हमको बंदर मिले ही, और बंदर की जगह बंदर हमारे भाई ने चना खाया, बंदरों की कमी हमारी पूरी कर दिया भाई, और कितना पूछे तो दे दो खाने। तो अभी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ नीचे उतरने का रास्ता, और यहाँ से मैं आपको पूरा रास्ता बता दूंगा। आप यहीं से देख सकते हो कि रास्ता कैसा है यहाँ से। तो ये वो रास्ता है, आप देख सकते हो हम लोग जो आए हैं, और ये रास्ता है पांच पीर की दरगाह जाने का, और वहाँ हमको जाना है पांच पीर। आप देख सकते हैं गाइस, अब ये रास्ता है पांच पीर जाने का, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मेहनत लगी है हमको इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, और इस मेहनत का फल तो हमको मिलना चाहिए।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों ये देखो, ये वो माउंटेन पहाड़ है जहाँ पे हम लोग चढ़े हैं और ये रास्ता हम लोग वहाँ से तय करते हुए पूरा पहाड़ घूमते हुए, और अब देख सकते हो सारा पहाड़ तो बादलों में छुप गया और हम लोगों ने पूरा माउंटेन क्रॉस करके और पूरा घूम के अब इस तरफ आए हैं। और मैंने आपको नीचे से बताया था कि हमको वो चोटी पे जाना है जहाँ 5 पीर की दरगाह है, तो अभी मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने वो काम कर दिया जो मेरे को पॉसिबल इम्पॉसिबल लग रहा था, और एक्चुअली मैं मैंने बताया कितनी दूर चढ़ाई करके मैं आया हूँ और कंप्लीट कर दिया हूँ। आज भी मैं सामने खड़ा हूँ 5 पीर की दरगाह की तरफ। ये 5 पीर की दरगाह है और मैं अभी अंदर जाके आपको इस दरगाह की ज़ियारत कराऊंगा। और बारिश का टाइम है, बारिश हो भी रही है, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊंगा या आधे रास्ते से लौट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआओं से मैं यहाँ जरूर पहुँच गया। अब मैं आपको इस दरगाह की ज़ियारत कराता हूँ। पीर हाजी मलंग साहेब दरगाह ट्रस्ट, 5 पीर दरगाह। तो दोस्तों ये है 5 पीर की दरगाह, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं 5 पीर की दरगाह, आप देख सकते हो। ये 5 पीर की दरगाह है, यहाँ पे 5 पीर की मज़ार शरीफ है। मैं जानना चाहूंगा कि ये हाजी मलंग बाबा के कौन है? ये 5 पीर हाजी मलंग बाबा का साथी आया है। अच्छा, ये 5 पीर हाजी मलंग बाबा के साथी हैं। ये जो 5 पीर की ये जो मज़ार है ये उनके साथी है। और ये कितने सालों से है यहाँ? ये 1400 साल पहले का बात है। सन 1400 साल पहले की ये दरगाह है, ये मज़ार है, ये करामत देख सकते हैं आप। ये हाजी मलंग शाह बाबा के वो साथी है जो उनके साथ मदीने से यहाँ आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ज़ियारत तो कर ली, अब हम चलते हैं। सो फ्रेंड, अभी तो और एक चीज़ बाकी है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ घोड़े का टाप का पानी। वो वहाँ की क्या करामत है, उस जगह की क्या हिस्ट्री है। घोड़े का टाप का पानी लोग पीते हैं और लोगों की बीमारियाँ दूर होती है, तो मैं आपको उस जगह पर लेके चलता हूँ और फिर वहाँ जाके अपन जानेंगे वहाँ की हिस्ट्री। तो ये रहा दोस्तों घोड़े के टाप का पानी, और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ उस तरफ, वहाँ है। और उसके बाहर आप देख सकते हो ये सब शॉप है, तस्बीह तावीज़ और अंगूठी वगैरह की। और यहाँ पे भी हमको जूते उतारना पड़ेगा। दोस्तों मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ घोड़े के टाप का पानी। ये है वो बाबा की करामत, घोड़े का टाप, चश्मे का पानी। इस पानी से बाबा ने वजू बनाए थे नमाज पढ़ने के लिए। पानी को 900 बरसों के जब कभी आएंगे 4 घंटे से पानी आपको मिलेगा। इस पानी में करामात है, सोसी फे पाए जाते भाई। घर में कोई दिक्कत परेशानी है, रोजी रोजगार में बरकत नहीं, घर के चारों कोने में पानी छीनने का, अगर कोई दिक्कत परेशान है बीमार रहता तो उसको पानी पिलाने का, ये बाबा का करामात है। ये सिर्फ पानी से बाबा ने वजू बनाए थे नमाज पढ़ने के लिए। ये पहाड़ 4 हिस्से में था, तो जब बाबा ने आए इधर मदीना शरीफ से, तो जब घोड़े ने टाप मारा तो 3 पहाड़ ताबड़तोड़ बैठ गए, 1 पहाड़ बचा। माशाल्लाह। फिर इधर खड्डा हुआ था, खड्डे से बाबा ने घोड़े के टाप से पानी निकाला था वजू बनाने के लिए। अच्छा, ये पानी कभी खत्म नहीं होता है? कभी नहीं, 900 बरस हो गए पानी आज तक बंद नहीं हुआ, ना कभी कम हुआ। माशाल्लाह। अगर कोई घर में दिक्कत परेशानी है तो घर के चारों कोने में पानी छीटने का, अगर कोई दिल बीमार रहता परेशान रहता तो उसको पानी पिलाने का। अच्छा, वो देख सकते हैं भाई, चर्बियों से राक्षस लोग दिया जलाते थे। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों ये करामत और ये हिस्ट्री है जो हमने भाई के मुंह से सुनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। दोस्तों फाइनली मैं नीचे उतर गया हूँ
आप देख सकते हैं उतरते उतरते मुझे रात हो गई है, और ये अभी ऊपर का नज़ारा है पूरा। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, बहुत मेहनत लगी है, मैंने दिल से मेहनत किया इस वीडियो के लिए। मैं चाहता हूँ ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके तो आवाज़ नहीं निकल रही है दोस्तों, आवाज़ भी हाँ, पैर कांपने लग गए, पैर कप कप आ रहे, हालत ख़राब हो गई है, पैर हमारे से पनाह मांग रहे, क्या है आज वाह। तो मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो मेरी और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।